जैसा कि आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 मिशन की अभूतपूर्व सफलता के बाद इसरो जिस पे पहले से ही कार्यरत था, ये जो हमारा सूर्य मिशन, इसको आदित्य L1 नाम दिया गया है, तो वो लॉन्च पैड पे तैयार खड़ा है। कल ही हमने उसका लॉन्च ऑथराइजेशन भी क्लियर कर दिया था और उसके मुताबिक आज सुबह से काउंटडाउन भी शुरू हो गया है 24 घंटे का। और कल सुबह यानी कि 2 सितंबर लगभग 11:50 पे इसका प्रक्षेपण होगा और ये सैटेलाइट सूर्य की ओर प्रयाण करेगा। सर, खास करके कितने दिनों में पहुंचेगा, इसका मकसद क्या है और उससे फायदा क्या होगा? जैसा कि हमने अभी चंद्रमा का अध्ययन किया चंद्रयान द्वारा, चंद्रयान 1, 2, 3 अलग अलग हमने मिशन किए थे, उसी तरह सूर्य के स्टडी तो हम कर रहे हैं। सूर्य का अध्ययन अलग अलग तरीके से जारी रहा है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, वो या तो पृथ्वी पे रह के हम कर रहे हैं सूर्य का अध्ययन, या फिर लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट के माध्यम से भी करते हैं, एस्ट्रोसेट जैसे कई अन्य सेटेलाइट द्वारा, और अन्य देशों के भी कई सेटेलाइट कार्यरत है। और इसके अलावा ये जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि L1 लैग्रेंज पॉइंट से, जहाँ से बहुत अच्छी तरह हम सूर्य का निरीक्षण कर सकते हैं, तो वहाँ से निरीक्षण करने की अपेक्षा है इस बार कि अलग तरीके से सूर्य का अध्ययन करें हम, और ख़ासकर लैग्रेंज पॉइंट जिसको कहा जाता है L1 पॉइंट, जहाँ पे हमको एक्लिप्स और ऑकल्टेशन जैसी बाधाएं नहीं आ सकती सूर्य के ऑब्जर्वेशन, सूर्य का अध्ययन करने में, तो कंटिन्यूस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो पॉइंट से। तो उसको सोचते हुए इस बार ये निर्णय किया गया कि हम ये आदित्य मिशन को L1 पॉइंट पे रखेंगे, जहाँ से हम 5 साल तक सीधे सूर्य का निरीक्षण कर सकते हैं, सूर्य में होने वाले अलग अलग जो वहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं, यहाँ पे जो फिनोमिना घट रही है, जब वहाँ पे जो प्रोसेसेस हो रही है उसका अध्ययन करें, जिससे कि हमको स्पेस वेदर के बारे में पता लगे खासकर, और सूर्य पे जो टेम्परेचर एनोमली है कि उसके कोर में 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर है और फिर 6.8 डिग्री केल्विन, 6,800 डिग्री केल्विन उसके अपर स्फीयर से होके बाहर तक 5,000 डिग्री केल्विन तक टेम्परेचर जाता है, बट कुछ जगह जहाँ जो कि CME इफेक्ट बोलते हैं जिसको, कोरोनल मास इजेक्शन, उसमें सतह पे भी बहुत ही हाई टेम्परेचर देखा गया है, लगभग 1.5 मिलियन डिग्री केल्विन, तो ये बहुत ही अधिक टेम्परेचर है कई कई जगह पे सतह पे, तो वो क्यों हो रहा है वो एनोमली का अध्ययन करके सूर्य के बारे में और भी जानकारी हमको मिले, इसके लिए ये मिशन कार्यरत रहेगा और 5 साल तक कार्य करता रहेगा, और हमको बहुत ही एक अनूठे प्रकार के डेटा और ऑब्जर्वेशन का फायदा मिलेगा ये मिशन के द्वारा। और ये मिशन जैसे कि मैं बता 5 साल तक चलेगा और ये कार्यरत होगा, यहाँ से कल प्रक्षेपण होने के बाद लगभग 127 दिनों के बाद वो वहाँ पे हेलो ऑर्बिट जो कहा जाता है उसके पे पहुँचेगा और उसको हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट किया जाएगा। सर, इसकी पोस्टिंग के बारे में कोई जानकारी हो, या फिर और अहमदाबाद इसरो अहमदाबाद सेक का इसमें क्या रोल है? तो जैसा मैंने बताया 2 सितंबर पे प्रक्षेपण के बाद वो धीरे धीरे उसको अलग अलग अर्थबंध द्वारा वो हेलो ऑर्बिट तक पहुंचाया जाएगा और उसमें लगभग 127 दिन लगेंगे, और उस दिन हम उसको हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट करेंगे, तो वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम होगा, महत्वपूर्ण क्रिटिकल ऑपरेशन होगा उस दिन जब हम करेंगे 127 दिन बाद आज से, तो वो बहुत क्रिटिकल रहेगा कि उसको हेलो ऑर्बिट में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम सूर्य का कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन कर सके। तो ये तो बात हुई उसके वहाँ तक पहुँचाने की, और जहाँ तक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अंतरिक्ष उपयोग केंद्र का सवाल है, उसमें इसका जो मेन पेलोड है वेलसी पेलोड, जिसको विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, जो सूर्य का अध्ययन करेगा अलग अलग उसके जो पहलू है उसका निरीक्षण करेगा, तो ये जो पेलोड है उसका लगभग 70% भाग यहाँ पे निर्मित हुआ है, उसका जो डिटेक्टर से लेके जो
बैकएंड इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोसेसिंग और इंटरफेस पार्ट है, वो पूरा सैक में डिज़ाइन हुआ है और उसका डेवलपमेंट हुआ है, और कुल लगभग 14 पैकेजेस प्रणाली हमने तैयार करके इस पर्टिकुलर पेलोड के लिए भेजी है। तो ये तो उसका मुख्य पेलोड है, मुख्य सेंसर है, और इसके अलावा अन्य 6 सेंसर भी है जो अलग अलग इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए हैं, एक आईयू का द्वारा, 2 PRL द्वारा, इसी तरह की अलग अलग तरह से एक मैग्नेटोमीटर है। तो वो कुल 6 अन्य छोटे पेलोड और ये 7वां वेलसी जो बड़ा पेलोड है, वो मिलके सूर्य का अध्ययन 5 साल तक करते रहेंगे।